अब हम देखते हैं कि कैसे एक विंडोज मशीन में डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करें। तो विंडोज मशीन में डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा या कहीं किसी दूसरी मशीन से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद इसको किस तरह से इंस्टॉल करें इसका तरीका इस वीडियो ब्लॉग में बताऊंगा। यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, वो पहली बार पड़ती है। उसके बाद में एक बार डाउनलोड करने के बाद हम जब दूसरी बार इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम वहाँ से वो फाइल लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें एक ब्राउजर ओपन करना है, जैसे मैं गूगल क्रोम में दिखा रहा हूँ, आप कोई भी अन्य ब्राउजर ओपन कर सकते हो। उसमें हमें सर्च करना है डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस सर्च करने के बाद में सर्च जब करेंगे तो गूगल हमें नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा, उनमें हमें सबसे पहले यहाँ जो डेव सी प्लस प्लस सर्च किया है उसमें सबसे ऊपर एक सोर्स कोड की वेबसाइट आएगी, वो हमें उस पर हमें क्लिक करना है। ये वेबसाइट है sourcefog.net sourcefog.net। तो ये देखें और इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर हमारे पास एक नया विंडो खुलेगा जिसमें यहाँ ये ब्लू साइन होगा डेव सी प्लस प्लस का। यदि इस तरह की विंडो नहीं खुलती है तो कृपया फिर से रिपीट करें पिछली प्रोसेस को और चेक करें। और उसके बाद में यहाँ पर इस पेज में हम जो हमें डाउनलोड का विकल्प मिल रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करने पर ये कुछ समय लेगा और कुछ समय 5 सेकंड लगभग हमें वेट करने को कहेगा और उसके बाद में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यदि डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ पर एक डाउनलोड का लिंक देगा, उस पर क्लिक करके कुछ से डाउनलोड करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाएं और वहाँ चेक करें, वहाँ पर एक डेव हाइफन CPP आएंगे, उसका वर्जन नंबर और सेटअप दे रखा होगा, उस पर क्लिक करें और उसको ढूंढें। ये यदि आपको मिल जाता है आप ये फाइल अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हो और दूसरी मशीन में इंस्टॉल करने के लिए इसी फाइल को काम में ले सकते हो। एक बार डाउनलोड करने के लिए बाद इसको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में इस फाइल पर हमें डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक के ओपन, राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करना है और इसको जो ही हम ओपन की कोशिश ओपन करेंगे तो यहाँ एक छोटी सी विंडो, छोटा सा इसको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन दिखाएगा जो जिस पे लिखा होगा प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इज लोडिंग अनपैकिंग डाटा, और उसके कितना अनपैक हो चुका है ये दिखाएगा और ये कुछ ही सेकंड्स में ये डाटा अनपैक हो जाएगा और हमें नेक्स्ट विंडो देखने को मिलेगी जिस पर हमें लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, हिंदी भाषा उपलब्ध नहीं है, अतः हमारे लिए सबसे सरलतम भाषा इंग्लिश रहेगी। आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, और भाषाओं के विकल्प भी हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश को चूज करके आगे बढ़ने का काम किया है। जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो अगली विंडो आती है, उसमें लाइसेंस एग्रीमेंट की कुछ शर्तें दिखाता है, उनको आप पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हमें नहीं कहने, नो कहने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें आई एग्री पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ दो विकल्प हैं, आई एग्री, कैंसिल। कैंसिल मतलब हम इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आई एग्री मीन्स जो भी कंडीशंस हैं हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, ये लाइसेंस एग्रीमेंट की हैं। और उस पर एग्री पे क्लिक करने के बाद में हमें ये नेक्स्ट विंडो पे ले जाता है जिसमें ये हमें कौन कौन सी चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा। इनमें से आपको कई विकल्प मिल रहे हैं, इनमें से आप चाहो तो विकल्प को चुन सकते हो, आप जिन विकल्प को चाहो छोड़ सकते हो। सबसे बेहतर होगा कि जैसा इसने डिफ़ॉल्ट दिया है वैसा ही काम में लो। और उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक करो और उसको आगे फॉरवर्ड करो। उसके बाद हमें यह है नेक्स्ट विकल्प देगा जिसमें ये बताएगा कि हमें अपनी मशीन में कौन सी जगह पे इंस्टॉल करना है। आप चाहो तो ये जगह बदल सकते हो, ये मशीन में मेमोरी की उपलब्धता के आधार पे बदलना है। यदि मशीन में
कुछ एमबी बचा हुआ है, आप कुछ एमबी मान लो 100 MB ऐसे ज़्यादा बचा हुआ, आप वीवो जगह काम में ले सकते हो। यदि आपके सी ड्राइव में इतनी जगह नहीं है तो आप डी किसी और में जगह पर उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ले रहा है ये प्रोग्राम फाइल्स में dev-cpp ले रहा है। यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके इस जगह को बदल सकते हो। और उसके बाद में हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 विकल्प हमें मिले हुए हैं, बैकअप, इंस्टॉल एंड कैंसिल। ये कह रहा है कि स्पेस यहाँ पर 346.8 MB चाहिए, इसका मतलब यदि 400 MB से कम स्पेस है तो आप कुछ जगह का यहाँ पता नहीं दोगे, इसके लिए आपको इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए। उसके बाद में इंस्टॉल पर क्लिक करें। और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में आप ये कुछ फाइल्स को फिर से रीलोड करेगा और आपको दिखाएगा। और कुछ मिनट का टाइम लेने के बाद में ये अगली विंडो पर जाएगा और वहाँ पर ये कुछ जो एग्जीक्यूटेबल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको इंस्टॉल करेगा। कुछ थोड़ा समय लेगा ये, जब तक ये काम कर रहा है तब तक हमें बैक, नेक्स्ट और कैंसिल ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम इन पर क्लिक करें तो भी इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद में हमें नेक्स्ट विंडो पे जाना है। नेक्स्ट विंडो पे अपने आप जाएगा जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये हमें एक अलग विंडो पे ले आएगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीटिंग द dev C++ 5.11 सेटअप विजार्ड। अभी 5.11 लेटेस्ट मिला है, या आपके कोई भी इससे भी लेटेस्ट मिलता था आप वो कर सकते हो। यहाँ पर हमें फिर एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश का, जिस पर हमें क्लिक करना है। और फिनिश पे क्लिक करते ही अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ और सेटअप करने हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन सी लैंग्वेज में दिखाई दें। तो यहाँ पर कई लैंग्वेजेस मिलेंगी, अपने लिए सरलतम इंग्लिश ओरिजिनल रहेगी। और यहाँ पर बाईं ओर यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग भाषा दिखा रहा है, ये C++ है। C++ और C दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर काम में लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हम नई विंडो में जाएंगे, और नई विंडो में ये फिर हमें किस तरह का फॉन्ट दिखना है, जो इंट मैन और जो भी हमें दिखाई दे रहा हो किस तरह का देखना चाहते हैं हम, उसे सेलेक्ट करने के विकल्प देगा। इसमें डिफॉल्ट कलर क्लासिक प्लस है और आइकन्स न्यू लुक है, आप इनको चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कंसोलस है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर उपलब्ध फॉन्ट के आधार पर। यदि नहीं परिवर्तित करते हो, नहीं चेंज करते हो, तो ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इस तरह का दिखाई देगा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर ये आगे नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। यहाँ हमें ये कहेगा कि आपका सब कुछ कॉन्फिगर हो चुका है, तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। यदि कोई विंडो खुलती है तो आप उसको बंद कर सकते हो। उसके बाद में हमें एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिखाई देता है जिस पे लिखा है dev C++, और ये ब्लू कलर का आइकन है जिसमें dev वाइट लेटर्स में लिखा है और C++ डार्क ब्लू में लिखा है। ये अपना dev C++ का सॉफ्टवेयर है। इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये dev C++ की विंडो ओपन होगी, जिसमें लेफ्ट अपर साइड के मेन्यू को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें हमें एडिट फाइल, एडिट सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये मेन्यू है। दूसरी लाइन में दूसरा मेन्यू है जिसमें आइकन्स में सब कुछ दिखाया गया है। ये न्यू का आइकन है। तो अब हमें इस विंडो में फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलेगा जिसमें न्यू ओपन के ऑप्शन होंगे। हमें न्यू पर जो पॉइंटर ले जाते हैं, एक नया मेन्यू खुलेगा जिसमें सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट या विकल्प हमें मिलेंगे। हमें सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। सोर्स फाइल पर क्लिक करना है के बाद में एक हमें एडिटर जैसा खुलेगा जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल एन सीधा प्रेस करें तो भी हम यहीं पर पहुँच जाएंगे। और जैसा कि हमने पीछे दिखाया था, यहाँ पर मेन्यू में ये न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी हम उसी जगह पहुँचेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार चूज करें। और उसके बाद में
हमें यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखना है। जैसे प्रेजेंटली मैंने एक प्रोग्राम लिखा है स्लैश स्टार न्यू नेक्स्ट लाइन में माई फर्स्ट सी प्रोग्राम कोमा आई एम लर्निंग सी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में स्टार स्लैश, ये कमेंट है। मैंने ये सिर्फ लाइन नंबर एक से लाइन नंबर तीन में जो लिखा है ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। लेफ्ट साइड में यहाँ लाइन नंबर भी दिखाता है और यहाँ पर आगे ये प्रोग्राम लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट एफ पैरेंथेसिस स्टार्ट कोटेशन स्टार्ट एम एस सी स्पेस फिजिक्स बैक स्लैश एंड कोटेशन बंद पैरेंथेसिस सो क्लोज सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद में मैं जब कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये सेव होगा। इसके अलावा हम सेव कंट्रोल एस के अलावा ऊपर फाइल में जाकर वहाँ भी कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक करके आगे सेव का विकल्प मिल जाएगा। जो ये कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हम एक और नई विंडो खुलेगी जिसमें ये नाम पूछेगा, क्योंकि अब तक हमने इसको फाइल का नाम नहीं दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने अनटाइटल्ड वन नाम लिख रखा है। यहाँ पर हम नाम को चेंज कर सकते हैं, इस नाम को चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट या अनटाइटल्ड वन रखेगा। हम जैसे यहाँ पर दूसरा नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम। यदि हम डॉट सी भी लगाते हैं तो ये डॉट सी ले लेता है, अन्यथा ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉट सी पी पी लेगा जो सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन है। हम सी प्रोग्रामिंग के लिए डॉट सी लगा सकते हैं। ये सेव हो गया, सेव होने की पहचान ये है। यहाँ पर हमें यहाँ कोने में जो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी पी पी लिखा मिल रहा है और यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है। सेव होने से पहले यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार दिखाई देगा। इसको सेव करने के बाद में हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम F9 प्रेस कर सकते हैं या ऊपर मेन्यू में एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में हमें एक कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल होगा। कंपाइल होते ही नीचे एक नया छोटा सा विंडो टाइप में खुलेगा और उसको जूम करके देखते हैं हम, ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ कंपाइलेशन में कुछ सेकंड्स का समय लेगा। यहाँ हमें जीरो एरर और जीरो वार्निंग दिखा रहा है, इसका मतलब अपना प्रोग्राम सही है। यदि यहाँ कोई भी एरर या वार्निंग दिखाता है तो हमें वापस पीछे जाके इस प्रोग्राम में सुधार करना है कॉरेस्पॉन्डिंग, और उसके बाद में फिर से सेव करना और कंपाइल करना है जब तक कि यहाँ हमें जीरो एरर और जीरो वार्निंग ना दिखाई दे। उसके बाद में हमें रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हमें F10 पर क्लिक करना पड़ेगा। F10 पर क्लिक करने के बाद या तो F10 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, या हमें यहाँ एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है और नीचे एग्जीक्यूट और रन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में एक नई विंडो खुलेगी जिसमें हमारा आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ प्रेजेंटली MSC फिजिक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट टाइप के आगे कोटेशंस में MSC फिजिक्स लिखा था। उसके बाद में हम प्रोग्राम में चेंज करते हैं। अभी मैंने MSC फिजिक्स की जगह लिख दिया है कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। उसके बाद में मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करते ही यहाँ पर ये स्टार का साइन चला गया है, जैसे पीछे यहाँ स्टार आ रहा था। सेव किया, सेव करते ही ये साइन चला गया है, अभी कोई स्टार साइन नहीं है, ये सेव हो चुका है। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने पर ये जीरो जीरो वार्निंग दिखा रहा है। उसके बाद मैं रन करता हूँ, रन करने पर ये लिख के दिखा रहा है कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और जैसा मैं देखना चाह रहा था वैसा आउटपुट आ रहा है। इसके बाद मैं प्रोग्राम में और बदलाव करके देखता हूँ। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग के बीच में बैक स्लैश एन लिख दिया है, क्योंकि पहले हम एक बैक स्लैश एन लिख रहे थे, उसका कोई मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो हम यहाँ बीच में लिख के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने कंप्यूटर के बाद में दो बार बैक स्लैश एन लिखा और सी के बाद में एक बार बैक स्लैश एन लिखा। हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल कर सेव करने के बाद में कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में रन करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर के बाद में एक लाइन खाली आई है, मतलब पहले सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा था, अभी एक न्यू लाइन और यहाँ पर दो न्यू लाइन, दो बैक स्लैश एन जहाँ लिखे थे दो बार नई लाइन और सी के बाद में एक बार बैक स्लैश एन लिखा था, इसलिए एक आगे वाला नई लाइन में आ गया है। ये हो गया अपना सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम और